जो बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाले हैं, अमेरिका उनसे और ज्यादा परेशान कर। माने हिंदुस्तानियों में कुछ ऐसे दिमाग हैं जिनको आप एक बार कोई मशीन खोल कर दिखा दो और वो मशीन फिर आपको वो बेच देंगे बना, ऐसा बहुत दिमाग है। और ऐसा दिमाग हमारे देश में उल्लासनगर एरिया में सबसे ज्यादा रहता है। एक बार आप उनको कोई मशीन दिखाओ, फिर वही मशीन आप उनसे बनवा लो। अभी कुछ लोग इसको मजाक मानते हैं, मैं इसके लिए बहुत सीरियसली बात करता हूं क्योंकि मैं खुद टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, इसलिए मैं जानता हूं। कुछ लोग कहते हैं राजीव भाई इसमें क्या है, नकल करना है। मैं कहता हूं नकल करने के लिए भी अकल लगती है, सब क्यों नहीं कर सकते ये नकल। मैं आपको देता हूं एक मशीन, आप खोल के देख लो फिर बना के दिखा दो, आपसे तो बस नहीं बनेगा। आपने तो एक बार खोल दी तो उसको जोड़ना भी नहीं आएगा कि कौन सा नट कहां लगाना, कौन सा बोल्ट कहां लगाना। ऐसा दिमाग है इस देश में। एक तो ये उल्लासनगर के एरिया में बहुत ऐसा दिमाग है, पंजाब के इलाके में, लुधियाना के आसपास, जलंधर के आसपास ऐसा बहुत दिमाग है। ऐसा ही गुजरात में, सौराष्ट्र के इलाके में ऐसा बहुत दिमाग। मैंने एक ऐसे भाई को देखा राजकोट में, वो आठवीं में फेल हुआ किसी स्कूल में, फिर उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, फिर वो किसी उस्ताद के पास जाने लगा, उस्ताद माने जो उसको सिखा सके ये सब हुनर, और सीखते सीखते आज वो ऐसा एक्सपर्ट बना है वो आदमी। मैं तो देख के दंग रह गया। उस आदमी ने मुझे बताया कि राजीव भाई हमारे देश में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जो मशीन आती है ऑफसेट मशीन, ज्यादातर जर्मनी से आती है। हाइडेल वर्क नाम की एक जर्मनी की कंपनी है, उसकी मशीनें बहुत आती हैं और दुनिया भर में बिकती। तो एक बार उस आदमी ने उस कंपनी की मशीन को खोलकर देखा और देखने के बाद बिल्कुल वैसी ही मशीन उसने राजकोट में बनाई। हाइडेल वर्क कंपनी अगर उस मशीन को 4 करोड़ में बेचती है तो वो आदमी उसको 40 लाख में बना के देता, और इस गारंटी के साथ कि जितने साल हाइडेल वर्क की मशीन चलेगी उससे 5 साल ज्यादा मेरी मशीन चलेगी, ये आपको वो वायदा करता। और वो कहता फ्री सर्विस करूंगा अगर वो खराब हो जाए। आज उसकी बनाई हुई मशीन पर हिंदुस्तान के 15 न्यूज़पेपर छप रहे, उसकी बनाई हुई मशीन। और आज वो आदमी इतना व्यस्त आदमी है, मैं गया उसको मिलने के लिए, वो कहता राजीव भाई अगले 5 साल मुझको फुर्सत नहीं, इतने ऑर्डर हैं कि मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। तो जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो उसने कहा कि मैं नापास हो गया 8वीं क्लास। तो मैंने कहा वो अध्यापक बेवकूफ होगा जिसने तुमको नापास किया। उस अध्यापक और स्कूल को नापास हो जाना चाहिए जिसने तुमको नापास किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो गलती उस अध्यापक और स्कूल की है जिसने तुमको नापास किया। अब बताइए ऐसा आदमी हम नापास करते हैं। और आप हिंदुस्तान में घूमेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम, तो ऐसे आपको सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में हुनरमंद लोग मिलेंगे जो कुछ ना कुछ दिमाग के स्किल का इस्तेमाल करके विचित्र विचित्र काम करते रहे।